Unusual foods that only exist in India. Adventure. अब भारत के खाने की बात आती है तो हमारे दिमाग में छोले भटूरे से लेकर राजमा चावल तक हर एक शानदार डिश घूमने लग जाती है। पर दोस्तों, आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे अनोखे फूड आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम सुनकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हाथ के पैर से लेकर लाल चींटियों तक के हर एक चीज भारत में खाई जाती है, वो भी कुछ अलग अंदाज में, और वो अंदाज आपको हमारी इस वीडियो में बखूबी देखने को मिलेगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्नेल्स, हमें पता आप यही सोच रहे हैं कि स्नेल्स कैसे किसी फूड आइटम में टेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये भारत है, यहाँ पर हर एक चीज को स्वादिष्ट बनाना लोगों को बखूबी आता है। ऐसे में इन स्नेल्स को यूं ही नहीं खाया जाता, बल्कि जिंदा पकाया जाता है और फिर सुखा दिया जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी के जरूरी हिस्सों को निकालकर अलग कर दिया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए यूं ही रखकर अच्छी तरह से धोया जाता है, और फिर बारी आती है इसे सब्जी में डालने की, क्योंकि भारत के लोगों को हर चीज सब्जी की तरह बनाने में बड़ा मजा आता है। और फिर ये भला स्नेल्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? और यकीन मानिए, जब स्नेल्स की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, तब आप उसे देखकर ये नहीं कह सकते कि ये स्नेल से बनकर तैयार हुई है। इसका स्वाद और रंग रूप भारत की आम चटपटी सब्जियों की तरह ही दिखाई देता है, और ये स्वाद आपको भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। मुंबई स्ट्रीट फूड। अगर आप भारत में रहते हैं तो बेशक आपने मुंबई के स्ट्रीट फूड के बारे में सुना होगा, क्योंकि वहाँ का खाना वाकई में लाजवाब होता है, क्योंकि कुछ अनोखी चीजें वहाँ मिलती हैं जो हम लोगों के लिए भले ही नॉर्मल हो, लेकिन बाहर के देश वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर चाहे वो भैंस और बकरी के दूध से बने अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हो या फिर मुंबई का फेमस वड़ा पाव, ये सभी चीजें भारत को छोड़कर बाकी लोगों के लिए नई ही है, क्योंकि वो तो दूध से आइसक्रीम और शेक के अलावा और कुछ बनाना सीख ही नहीं पाए। लेकिन हम यहाँ पर दूध से अलग अलग तरह की ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वैसे दोस्तों, मिठाई से याद आया, आपको भारत की कौन सी फेमस स्वीट डिश यानी कि मिठाई पसंद है? क्योंकि हमें तो भाई गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अब आपको कौन सी मिठाई पसंद है उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। फर्मेंटेड बैम्बू शूट। जाहिर सी बात है, कोई भी सुनकर हैरान हो जाएगा कि भला ये बैम्बू कैसे खाया जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही हार्ड होता है। पर दोस्तों, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बैम्बू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में डाल दिया जाता है और फिर इन्हें सुखाया जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बस काम हो गया, तो हम आपको बता दें केवल सुखाने में ही 3 दिन लगते हैं, और फिर जब ये सूख कर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें किसी चटपटी चीज की तरह बनाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, सेंट्रल एशिया में कई सालों से बैम्बू की खेती होती है, ऐसे में लोग इन्हें खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और ये कितना लाजवाब बनता है वो आप इसे देखकर पहचान गए होंगे। बी लार्वे। अब आप एक और हैरान करने वाले इंडियन फूड के बारे में सुनिए, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मधुमक्खी का लार्वा है, जिसे बी लार्वे कहकर बुलाया जाता है। हम आपको बता दें, आपको भले ही इसे देखकर अजीब लग रहा हो, लेकिन अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, जहां आपको पूरब से पश्चिम जाने में अलग अलग तरह के रीति रिवाज और धर्म देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में कुछ समाज के लोग ऐसे भी हैं जो मधुमक्खियों के लार्वा को पकाकर उनमें अलग अलग तरह के मसाले मिक्स करने के बाद बड़े चाव से खाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप इस समय हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेड एंट्स। हाँ हाँ दोस्तों, हमें पता है जब लाल चींटी काटती है तो भयानक वाला दर्द होता है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती है। इनफैक्ट इससे बनकर तैयार होने वाली चटनी भारत में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जहाँ भारत के छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में इसे बनाकर तैयार किया जाता है, जिसमें यहाँ के लोग विनेगर, शुगर और तरह तरह के मसाले डालकर उसे तैयार करते हैं। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि भारत में मसाले और लोगों के हाथ का जादू जब मिल जाता है तो कोई भी चीज शानदार लगती ही है, फिर चाहे वो चींटी की चटनी ही क्यों ना हो। सिल्क वर्म। दोस्तों, सिल्क वर्म भी भारत के कई इलाकों में खाया जाता है, जहाँ पहले इसे काफी अच्छे से उबाल दिया जाता है और फिर इसे पकाया जाता है, जिसमें कई तरह के मसाले मिक्स किए जाते हैं, और फिर लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। अब पता नहीं लोग इसे कैसे खाते हैं, पर यह बात तो पक्की है कि शुद्ध शाकाहारी इंसान के लिए इनके बारे में अकेले सोचना खतरे से खाली नहीं है, क्यों दोस्तों? सही कहा हमने। फ्रॉग्स। दोस्तों, अगर आपको हमारी तरह मेंढक को चलते देखकर अजीब से लगता है, तब तो आप पक्का सोच में पड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे भारत के कई इलाकों में मेंढक को खाया जाता है, और भारत में खाए जाने वाले मेंढक का नाम इंडियन बुल फ्रॉग है, जिसे जंपिंग चिकन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें खाने वाले लोगों का कहना है कि इसे खाकर कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, खास करके पेट से जुड़ी समस्या इन मेंढकों को खाने से जल्दी भाग जाती है।
जहां कई लोगों का ये भी कहना है कि इसका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा ही होता है। हो भी सकता है क्योंकि हम मेंढक के खाने के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि हमारे भारत का स्वाद वाकई में लाजवाब है, जहां हम किसी भी चीज को स्वादिष्ट बनाने का दम रखते हैं। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। एलिफेंट फूड, आप अपना दिमाग दौड़ाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर असली के हाथी के पैरों की बात नहीं हो रही है, बल्कि एलिफेंट फूड एक तरह का प्लांट है जिसे आम भाषा में लोग सूरन या फिर जिमीकंद के नाम से जानते हैं। और अगर आप लोगों ने इसकी सब्जी खाई है तो आपको पता ही होगा कि इस प्लांट का स्वाद पनीर को टक्कर देता है। हालांकि इसे साफ करने से लेकर इसे पकाने तक का काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब इसकी सब्जी बनकर तैयार होती है ना तो वाकई में बड़ी लजीज लगती है, जिसे देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये अजीब और गंदे से दिखने वाले प्लांट की सब्जी है। वैसे हम आपको बता दें कि इस एलिफेंट फुट नाम के प्लांट को खाने से आंखों से संबंधित रोग बड़ी जल्दी दूर हो जाते हैं। रोस्टेड रैट्स, दोस्तों आप कुछ और धारणा बनाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां गरीबों से ज्यादा गरीब है। ऐसे में आप वो शाही पनीर और दाल मखनी तो खा नहीं सकते, उन्हें जो मिलेगा उसी को अपना भोजन बनाने के लिए मजबूर है। इसी वजह से वो आसपास में जितने भी चूहे होते हैं उन्हें पकड़कर भूनना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके लिए काम इतना आसान नहीं है क्योंकि चूहों की स्पीड तो आप जानते ही हैं, पर दोस्तों अब किया भी किया जा सकता है। जब इंसान के पेट में भूख लगी हो तो वो किसी भी चीज को खाने पर मजबूर तो हो ही जाएगा, ये तो फिर भी चूहे हैं। हालांकि अब ये तो नहीं है कि हम लोग मार्केट में जाकर चूहों को खरीद कर इनका सेवन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चाइना, कोरिया, जापान जैसे देशों में किया जाता है। गार्लिक श्रिम्प, अब दोस्तों आप भारत में बनने वाले इस फूड आइटम के बारे में जान लीजिए, जहां पर भारी मात्रा में मछुआरे श्रिम्प को इकट्ठा करते हैं और फिर इससे लाजवाब डिश तैयार करते हैं, जैसे गार्लिक और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है और भारत के कई सारे मछुआरे इसे खाना पसंद करते हैं। हालांकि इसे बनाने का तरीका भारत में वही है जो अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका में भी उसी तरह इसे बनाकर तैयार किया जाता है जिस तरह भारत में बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन भारत के मसाले अलग तरह का स्वाद इसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग भी इस तरह की चीजों को खाने के बाद ये नहीं बता सकते कि इसमें किसी तरह का नॉनवेज इस्तेमाल हुआ है। और भारत के कई सारे वेजिटेरियन इसी तरह नॉन वेजिटेरियन भी बने हैं, क्योंकि जब इन्होंने पहली बार नॉनवेज खाया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो नॉनवेज खा रहे हैं, क्योंकि भारत के मसाले वाकई में चीजों का स्वाद बदलने की हिम्मत रखते हैं। बाकी आपको कौन सा इंडियन फूड आइटम सबसे ज्यादा पसंद है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।